हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की एक सीरीज़ चल रही है हिंदी की, और आज उस सीरीज़ का 12th डे है। आज 12th क्लास है जिसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न। हर क्लास के लास्ट में मैं एक प्रश्न भी पूछती हूँ, तो पहले लास्ट क्लास का हम प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद हम हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल पर, भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो सेशन में देखते हैं लास्ट क्लास का पहले प्रश्न। फ का उच्चारण स्थान है, तो फ का उच्चारण स्थान क्या है? तालव, विदंत, ओष्ट या दंतोष्ट? आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया था, और इसका आंसर है ओष्ट। क्या आंसर है? तो इसका आंसर है ओष्ट यानी होठ। फक का उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है होठ, ठीक है। चलो अब आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। 321 नंबर का ये प्रश्न है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ था अपभ्रंश से। हिंदी भाषा कहाँ से जन्मी थी? तो ये जन्मी थी कहाँ से? अपभ्रंश से, ठीक है। ही हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की जो विशिष्ट बोली है यानी ब्रजभाषा, ये किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? तो ये जो ब्रजभाषा है ना, ये काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। कौन सी भाषा के रूप में? तो जो हमारी काव्य की भाषा है, ठीक है ना, तो ब्रजभाषा उसी रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में या तकनीकी भाषा में? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी जो हिंदी है उसे राजभाषा के वर्ग में रखा जाता है, राजभाषा में रखा जाता है। राजभाषा हमारे राज्य की सरकारी कामकाज की भाषा होती है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 324 नंबर का प्रश्न है। ढुंडाली बोली जाती है, वो ढुंडाली नहीं है, वो ढुंडारी है। कौन सी है? तो वो है ढुंडारी। तो ये ना जयपुरी या ढुंडारी, राजस्थानी की अगर बात की जाए, ये राजस्थानी को भी साइड में रखिए। पहले आप एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, हमारे भारत में कुल 18 बोलियाँ बोली जाती हैं और 5 उपभाषाएं हैं। कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषाएं हैं जिनमें 18 बोलियाँ बोली जाती हैं। लेकिन व्यापम के अकॉर्डिंग इसका आंसर और सुनिएगा, व्यापम में जो बोलियाँ हैं वो 18 नहीं है। व्यापम में बोलियाँ कितनी हैं? तो व्यापम में बोलियाँ हैं 17, ठीक है ना। आपको 18 ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, लेकिन आंसर आपको 17 लगाना है। और उसी में एक उपभाषा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी की बात करें तो वो 4 कैटेगरी, 4 दिशा के अंतर्गत बोली जाती है। उन्हीं में से एक है ढुंडारी। और ये किस क्षेत्र में बोली जाती है राजस्थान के? तो ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत। कौन सी राजस्थान के अंतर्गत? तो ये बी ऑप्शन में जो पूर्वी राजस्थान है इसके अंतर्गत बोली जाती है जयपुरी या ढुंडारी, ठीक है। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो ये जो ब्रजबोली नाम है ना, इससे जानी जाती है पुरानी बांग्ला। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो कौन सी लिपि है? तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि। अधिकतर जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं उनका जो विकास है, उनका जो उद्गम है, वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और लिपि क्या है? तो ये एक तरह का चिन्ह होता है, एक तरह का निशान होता है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है खड़ी बोली। क्या है? तो इसका आंसर है खड़ी बोली। हिंदी भाषा को बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो ये जो छत्तीसगढ़ी है ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? तो इसका आंसर है पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? तो ये जो बोली है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो आर्टिकल के बारे में बताना है, अनुच्छेद के बारे में बताना है कि हिंदी जो हमारी राजभाषा है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 343 से 351, ठीक है। कब से कब तक? तो 343 से लेकर 351 तक आपको राजभाषा हिंदी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश? तो इसका सही आंसर है संघ की राजभाषा।
संविधान का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 351, इसमें संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। शुद्ध वर्धनी का चयन करें, जानवी कैसे लिखा जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ऑप्शन सारे ध्यान से देखिएगा और इसका आंसर है सी वाला। सी ऑप्शन में जिस तरह से जानवी लिखा है वो बिल्कुल शुद्ध है, इसी प्रकार से जानवी लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 332, शुद्ध वर्धनी का चयन करें, अधोपतन, आधिपतन, अधःपतन या आधःपतन, तो इसका आंसर है अधःपतन। ठीक है, शुद्ध वर्धनी का इसमें चयन करना था और प्रश्न देखकर तो ऑप्शन देखकर तो समझ में आ गया कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है और इसका सही आंसर क्या होगा, तो वो है सी अधःपतन। चलो अगले प्रश्न की ओर आओ, शुद्ध वर्धनी का यहाँ पर भी चयन करना है। सृष्टि होता है, सृष्टि होता है किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसका ऑप्शन जो सी है सृष्टि, इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। तहसीलदारी किस प्रकार से लिखा जाता है और ये होता क्या है, तहसीलदार होता है, तहसीलदारी होता है, तहसीलदार होता है, क्या होता है, तो शुद्ध वर्धनी देखकर सही आंसर बताना है और इसका आंसर ए वाला ऑप्शन है, तहसीलदारी। बाकी जो नीचे तीन ऑप्शन लिखे हैं ना वो अशुद्ध है, वो शुद्ध नहीं है। संकर शब्द का अर्थ है तत्सम तद्भव, विदेशी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। मैंने ना इसकी प्रीवियस जो क्लासेस हैं, टोटल 11 क्लास कंप्लीट कराई है और कई बार मैंने उसमें आपको बताया है कि संकर शब्द क्या होते हैं, तो ये दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द होते हैं और तत्सम तो संस्कृत के होते हैं, तद्भव हिंदी के होते हैं और विदेशी जो विदेशी भाषा में जन्म हुआ हो जिनका, है ना, और संकर क्या है, तो ये दो भिन्न शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। आ जाइए 336 नंबर के प्रश्न पर, रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर, तो ये जो रेलगाड़ी शब्द है ना ये संकर शब्द है जो दो भिन्न स्रोतों से मिलकर बना है। अब रेलगाड़ी को जरा तोड़ो तो ये क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी, तो इसमें जो रेल है ना इसका अलग अर्थ निकलेगा, मतलब ये किसी अलग भाषा का होगा और गाड़ी अलग भाषा का, जिसे रेल शब्द की बात करेंगे तो रेल शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का है, तो ये अंग्रेजी भाषा का, और गाड़ी शब्द हिंदी का है और इनके मेल से एक शब्द बना जिसे हम क्या कहेंगे, संकर शब्द। वानर का तद्भव यानी हिंदी रूप बताना है, ठीक है ना, तो ये वानर शब्द तत्सम शब्द है और इसका हिंदी रूप यानी तद्भव रूप क्या होगा, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हैं और इसका सही आंसर है, वानर का तद्भव है बंदर, बी ऑप्शन में जो बंदर लिखा है वो इसका आंसर होगा। दर्शन का तद्भव बताइए, तो चार तरह के ऑप्शन हैं आपके सामने, दर्शन जो है ये शब्द तत्सम का है और इसका तद्भव यानी हिंदी रूप क्या होगा, तो बी ऑप्शन में जो दर्शन लिखा है वो दर्शन का तद्भव रूप है। संधि शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो संधि शब्द निम्न में से कौन सा है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, तो संधि शब्द है भाई तत्सम शब्द, कौन सा शब्द है, तो ये है तत्सम शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है, चाय, रिक्शा, कमरा, कैची, तो तुर्की भाषा का शब्द है कैची, कौन सा शब्द है, तो भाई वो है कैची। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक या इच्छावाचक, तो जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा प्रकट होती है या किसी भविष्य के किसी के भविष्य के लिए कामना की जाती है तो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होते हैं, तो तुम ईश्वर तुम्हें सफलता दे, किसी के भविष्य के लिए कामना की जा रही है, उसे आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा, इच्छावाचक वाक्य। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है कि संतोष से बढ़कर सुख नहीं में कौन सा वाक्य है, तो इसका आंसर है सरल वाक्य, क्योंकि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य वाक्यों में क्या होता है ना, ये दो वाक्यों के मेल से बनते हैं और दोनों में जो मेल के बीच में जो शब्द आता है वो अलग अलग होते हैं, और ऐसा कुछ भी इस प्रश्न में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, सरल वाक्य। वहाँ जाओ निषेधवाचक, अनुरोधवाचक, आज्ञावाचक या प्रश्नवाचक, तो वहाँ जाओ एक प्रकार की आज्ञा है और जहाँ पर भी आज्ञा दी जाए, उपदेश दिया जाए या किसी से प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट की जाए, वहाँ पर होता है आज्ञावाचक वाक्य, इसलिए 343 का आंसर हो जाएगा सी वाला। मोहन नहीं आने वाला है, बलदायक, संदेहवाचक, स्वीकारात्मक या नकारात्मक, नकारात्मक क्या होगा, मोहन नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर नहीं शब्द आने से किसमें चला जाएगा, नकारात्मक में, मोहन आने नहीं वाला है, ठीक है, तो ये नकारात्मक वाक्य हो गया।
जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? अप्रधान यानी जिसका कोई भी पद प्रधान हो ही ना, है ना। और ऑप्शन में है द्वंद, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीही। बहुव्रीही गलत लिखा है ना, हाँ में छोटे उ की मात्रा आएगी। तो जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो भाई, वहां पर होता है बहुव्रीही समास। कौन सा समास है? बहुव्रीही समास। और यहाँ हमेशा तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय बहुव्रीही और द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो दीनानाथ का विग्रह है, दीन है जो नाथ, है ना, गरीब है जो स्वामी, ये इसका विग्रह होता है। और इसमें कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। 347 नंबर का प्रश्न है। अच्छा, एक एक्स्ट्रा प्रश्न ऐड हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबरिंग रिपीट हो गई है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। आपको चार ऑप्शन में से देखकर बताना है कि अत्यधिक अभिमान करना होता है आसमान पर चढ़ाना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना तो ये तो होगा नहीं, बहुत शोर करना होगा नहीं, अत्यधिक प्रशंसा करना तो अत्यधिक अभिमान करना भी नहीं होगा। इसका आंसर है अत्यधिक प्रशंसा करना। लाल पीला होना का अर्थ है मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तीवर बदलना या रंग बदलना। तो लाल पीला कब होते हैं? क्रोध के कारण होते हैं। बोलते हैं ना, अरे वो गुस्से में तो वो लाल पीला हो रहा था, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो क्रोध के कारण। अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना। अगला प्रश्न है 249 नंबर पर, तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक या अन्योक्ति अलंकार, है ना। तो जहाँ एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले, वहाँ पर होता है कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, ठीक है। और जहाँ पर उदाहरण को देखकर एक ही शब्द के कई सारे अर्थ निकले, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। तो तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी में है यमक अलंकार, क्योंकि तीन बेर तो खा रही है वो, इधर पे क्या अर्थ निकल रहा है? वे तीन बेर खा रही है, और तीन बेर खाती है दूसरे वाले में क्या अर्थ निकल रहा है? तीन समय में खा रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। हालांकि ये उदाहरण आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि कई बार पूछा गया है। आज का अंतिम प्रश्न है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ लिखा गया गलती से, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या भ्रांतिमान अलंकार। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की और क्वेश्चंस के साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये आप सभी के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। 150 क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं हिंदी के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो से अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।